हमारा टॉपिक अनुरूपण सिमुलेशन। इस तरह से आता है आपका क्वेश्चन, ये देखिए 16 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके गुण दोष अनुरूपण क्या है, शिक्षण में इसके गुण और दोष, ठीक है। अनुरूपण अनुकरण क्या होता है, जब हम जैसे ट्रेनिंग किसी चीज की लेते हैं, जैसे वो चीजें जिनको हम अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है। आपकी बुक में भी अच्छे से दिया हुआ है, वहां से आप कर सकते हैं उसको। इसमें हम जानेंगे छात्र अध्यापक, विद्यार्थी की भूमिका, निरीक्षक की भूमिका और अध्यापक की भूमिका। इस तरह से इसका डायग्राम बनाएगा, ये देखिए। अनुकरणीय शिक्षण में छात्र अध्यापक कभी छात्र, कभी शिक्षक और कभी पर्यवेक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। मतलब कभी जो सीखने वाला होता है, जो लर्नर है, कभी वो स्टूडेंट होता है, कभी टीचर होता है और कभी खुद को ही ऑब्जर्व करता है, ठीक है। कृत्रिम शिक्षण परिस्थिति में शिक्षण कौशलों, युक्तियों, स्किल्स, ठीक है, टेक्निक्स, प्रवृत्तियां, शिक्षण व्यवहारों का अभ्यास करते हैं। जब हम किसी भी कार्य को सीखते हैं, जैसे किसी भी चीज को गाड़ी चलाना सीखना है, ठीक है, उसको हम जब चलाएंगे तभी उसको सीख पाएंगे, ठीक। सिर्फ उसके सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पे हम उसे नहीं सीख सकते कि इस तरह से इसके चलाने के ये रूल हैं और ये ऐसे ऐसे हमें चलानी है, वो वैसे हम नहीं सीख पाएंगे। जो यथार्थ शिक्षण तो नहीं है, जो रियल टीचिंग तो नहीं है, परंतु यथार्थ जैसा ये आभास कराता है। प्रशिक्षण में शिक्षार्थी शिक्षण कार्य को वास्तविक रूप देने का प्रयास करता है, ठीक है, और अपने आप को कक्षा कक्ष की परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का प्रयास करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुरूपित शिक्षण कृत्रिम परिस्थितियों में कुछ विशेष व्यवहारों को प्रदान करने की एक विधि है। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, अनुकरणीय या अनुरूपित। अनुकरण क्या होता है, आपको पता है अच्छे से कि अनुकरण होता है जब हम किसी चीज की नकल करते हैं, ठीक है। डांस सीखना है, डांस के स्टेप हम जब सीखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो हमारे हमें सिखाते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम उनके देख देख के अनुकरण करके नकल करके सीखते हैं इस चीज को, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है अनुरूपित शिक्षण के तत्व। देखिए, अनुकरणीय या अनुरूपित शिक्षण के संपर्क में निम्नलिखित तीन तत्व विद्यमान है, ये देखिए। अनुरूपण में छात्र की मन स्थिति के अनुरूप शिक्षण कार्य व शिक्षण अधिगम की परिस्थिति को उपकल्पित किया जाता है, ठीक है। मतलब उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम ये चीजें बच्चे को तभी सिखा सकते हैं जब बच्चे को उस चीज में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जब वो सीखना चाह रहा है। तदुपरांत उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, हर चीज को टुकड़ों में बांटकर सिखाया जाता है। इसके अंतर्गत वास्तविक परिस्थिति, ठीक है, वास्तविक परिस्थिति का खाका बनाया जाता है और इसके महत्वपूर्ण अंशों को इंगित किया जाता है। इसकी सफलता भाग लेने वाले शिक्षक, प्रशिक्षक, तदनुभूति, अन्य अवबोध पर निर्भर करती है, मतलब समझने पर निर्भर करती है। मतलब कि यहाँ हमें क्या देखना है कि ये हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो कार्य होगा उसको ही हम अनुकरण के द्वारा सीखेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या परिस्थिति का खाका तैयार किया जाता है कि किस तरह से हमें सीखना है। इसकी सफलता में भाग लेने वाले शिक्षक, प्रशिक्षक की तदनुभूति, अन्य अवबोधन पर निर्भर होती है, मतलब समझाने पर, कितनी अच्छे से हमें कोई समझा सकता है, ठीक है। अनुकरणीय शिक्षण में क्रियाओं का प्रकार देखिए, अनुकरणीय शिक्षण में तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अभिनय द्वारा या भूमिका द्वारा, सामाजिक नाटक और खेल खेलना। ये देखिए, अभिनय या भूमिका द्वारा, रोल प्लेइंग, यह शिक्षण सबसे आसान क्रिया में आता है। इसमें निम्नलिखित दो क्रियाएं होती हैं कि भाई आपको कोई अभिनय करके दिखा रहा है, उसके माध्यम से आप सीख रहे हैं। इसमें दो क्रियाएं होती हैं, किसी अन्य का रूप धारण करना या एक क्रिया समूह में अनुभव प्राप्त करना, ठीक है, किसी का रोल प्ले करना या फिर एक क्रिया समूह में अनुभव करना, खुद से अनुभव करना।
भूमिका निभाने की क्रिया द्वारा भूमिका निभाने वाले के दूसरे व्यक्ति जिसकी वह भूमिका निभा रहा है, ठीक है, जिसका रोल प्ले कर रहा है, के कार्यों के दृष्टिकोण तथा स्थितियों का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, उसके बारे में, उसके उसके पूरे कार्य, उसकी पूरी स्थिति का ज्ञान उसे प्राप्त करवाया जाता है। वास्तव में मान लो हम कोई भी किसी भी चीज को सीख रहे हैं, बिल्कुल, तो उसके बिल्कुल हमें रियल अनुभव करवाया जाता है पूरी तरह से उसके अंदर। मानो प्लेन प्लेन चलाना हम सीख रहे हैं, तो पूरी तरह से बच्चे स्टूडेंट है जो सीखने वाला है उसको पूरी तरह से ये फील करवाया जाता है कि आप पूरी तरह से पायलट बन चुके हो और अब आप सीख सकते हो। वास्तव में भूमिका चलाने, भूमिका निभाने की प्रक्रिया आपकी योग्यता को बढ़ाने के लिए भी की जाती है। वह अपनी भूमिका को निभाने से पहले उसे विशेष भूमिका का पूर्व ज्ञान रखता है, ठीक है, जो रोल प्ले उसको करना है उसके बारे में अच्छे से उसको जानना होगा, तभी वह अपनी योग्यता को आगे बढ़ा पाने में सक्षम होगा। मान लो आप टीचिंग के बारे में सीख रहे हो, टीचिंग सीख रहे हो कि किसी को टीच कर, मतलब टीच करवाना है आपको क्लास में, तो आपको पूरी तरह से एक शिक्षक की तरह ही फील, मतलब आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि भी मैं शिक्षक हूँ, तभी आप उस चीज को आप टीच करवा पाओगे। सामाजिक नाटक, सोशियो ड्रामा, देखिए सामाजिक नाटक भी एक प्रकार की भूमिका निभाने की क्रिया है जिसमें भूमिका को अदा करने वाला किसी सामाजिक समस्या के समाधान को ढूंढने की कोशिश करता है। भूमिका निभाने वाले का विषय सामाजिक समस्याओं के समाधान ढूंढने के साथ साथ उसकी वास्तविकता की स्थिति को दिखाने को निभाने में निपुण बनाया जाता है। अभिनेता किसी विशेष भूमिका को निभाने में निपुण बनाया जाता है। अभिनेता सामाजिक समस्याओं को सुलझाने व उपाय बताने के लिए भूमिका अदा करता है, ठीक है। ये थी सामाजिक, सामाजिक मतलब नाटक। खेल खेलना, खेल खेलना सामाजिक नाटक की तकनीक में वृद्धि करने से है, जो नीतियों के अर्थात निर्णय लेने के चयन एवं विकास की मांग करता है और संयोग की नीतियों के चयन के परिणाम के रूप में पुरस्कारों की व्यवस्था करता है। खेल के निर्माण में संयोग का स्थान रखा भी जा सकता है और नहीं भी, ठीक है, अथवा परिणाम का संयोग का प्रभाव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अध्यापक प्रशिक्षण में अनुकरणीय शिक्षण का महत्व, देखिए शिक्षण समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण, ठीक है, हमारे टीचिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनका अध्ययन करना और उनका विश्लेषण, मतलब टुकड़ों में तोड़कर उनका सॉल्यूशन निकालना। इस अनुकरणीय शिक्षण में विद्यार्थी अध्यापक को गंभीर शिक्षण समस्याओं का अध्ययन करके उनका विश्लेषण करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। विश्लेषण क्या होता है, टुकड़ों में तोड़कर उनका सॉल्यूशन निकालना। कक्षा कक्ष की व्यवहारिक समस्याएं, जो हमारे क्लासरूम में कुछ व्यवहारिक प्रॉब्लम है, मतलब बिहेवियर प्रॉब्लम है, उनको देखिए। यह प्रवृत्तियां कक्षीय वातावरण की समस्याओं को समझने, उनके समाधान करने में योगदान देती हैं। यह विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल का विकास करने में सहायता करती है, ठीक है, सामाजिक उसके अंदर स्किल्स आते हैं। इन कौशलों के प्रयोग से मन में विश्वास उत्पन्न होता है और शिक्षण के कार्य में भी रुचि बढ़ती है, ठीक है। कक्षा कक्षीय व्यवहारिक समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, शिक्षक में आत्मविश्वास, ठीक है। अनुकरणीय शिक्षण में प्रणाली में शिक्षक के शिक्षण कार्य में आत्मविश्वास का विकास होता है, ठीक है। जब हम अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं कुछ, तो क्या होता है, भाई कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं बिल्कुल परफेक्ट बन चुका हूँ, तथा सभी के व्यक्तित्व को सुधारने का मौका मिलता है। शिक्षण के समय आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए आत्मविश्वास पैदा होता है, ठीक है। टीचिंग के दौरान अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है जिसको हम पहले सीख चुके हैं, तो क्या होता है, भाई आत्मविश्वास पैदा होता है। सूक्ष्म शिक्षण के बेहतर अनुकरण, जो आपकी माइक्रो टीचिंग होती है उसके अनुकरण, देखिए अनुकरण प्रवृत्ति शिक्षण को विद्यार्थियों के लिए रोचक आनंदमयी बनाती है, ठीक है। यह सूक्ष्म शिक्षण विधि की सहायता से अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करती है, अतः हम कह सकते हैं कि अनुकरणीय शिक्षण का आपस में गहरा संबंध है। जैसे आपकी माइक्रो टीचिंग होगी, जब आप फाइनल ईयर में होंगे तो आप माइक्रो टीचिंग करोगे। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, जब आप छोटे रूप में
कक्षा में ही जैसे बीएड के ही स्टूडेंट आपके सामने बैठे होंगे और उनको ही आप बच्चे समझ के पढ़ाओगे कि भाई ये छोटी क्लास के बच्चे हैं और उनके अकॉर्डिंग मतलब आप अपने ही क्लास के बच्चों को पढ़ाओगे, तो वो क्या होते हैं इसमें टाइमिंग कम होती है। ये क्या होती है, आप एक शिक्षक की भूमिका अदा कर रहे हो, सामने आपके बच्चे बैठे हैं आपकी क्लास के ये, पर आप समझोगे ये छोटी क्लास के बच्चे हैं और आप एक शिक्षक की भूमिका अदा कर रहे हो। पूरे अनुकरण के साथ आपने सीख ली टीचिंग, जैसे आपका टीचर पढ़ाता था, जैसे आपने समझा पढ़ा, उसी तरह से आप अब इनको माइक्रो टीचिंग के द्वारा पढ़ा के दिखा रहे हो। ठीक है, तर्कपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान। ठीक है, इस अनुकरणीय प्रवृत्ति द्वारा समस्या का समाधान तर्कपूर्ण ढंग से निकाला जा सकता है, मतलब अपने सोच विचार से निकाला जा सकता है। इसमें शिक्षण पदों में अनुकरण करने की क्षमताओं का विकास किया जाता है। तर्क द्वारा हल की गई समस्याओं का नतीजा एक विश्लेषणात्मक रूप प्रदान करता है। अपने सोच विचार से कुछ प्रॉब्लम सोल्व की जाती हैं। शिक्षक और विद्यार्थी का एकाकीपन दूर होना, मतलब कि अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण प्रवृत्ति से आपने अगर सीखा है कोई व्यवहार, उसमें आपको अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा तो आप अपने सोच विचार से भी अपना अपना दिमाग लगा के भी उसमें चेंज कर सकते हो। तर्कपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान करना, ठीक है, शिक्षक और विद्यार्थी का एकाकीपन दूर करना। पारंपरिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक ही कक्षा में मुख्य होता है, जो हमारी स्टार्टिंग से चली आ रही है शिक्षण जो प्रणाली है उसमें क्या होता है, मुख्य कार्य मुख्य जो स्थान होता है किसका होता है, शिक्षक का होता है। कक्षा में विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं, शिक्षक भी और विद्यार्थी भी क्या होता है, दोनों एक्टिव रहते हैं। प्रश्न पूछने की योग्यता का विकास, प्रश्न पूछने की योग्यता का विकास, इस प्रवृत्ति द्वारा छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछने की क्षमता का विकास किया जाता है। इसमें एक क्रम में प्रश्न पूछने का अभ्यास संभव है, जैसे हम पूछते हैं भाई जो भी हमने आपको सिखाया, चाहे अनुकरणीय विधि द्वारा सिखाया हो चाहे किसी तरह से, उसके बाद ही हम आपसे पूछते हैं, अब आपको पता चला, अब आया आपको, ठीक है, उसी टाइम हम मूल्यांकन करते हैं। छात्र अध्यापक की विभिन्न भूमिकाएं, छात्र अध्यापक कौन होते हैं, जैसे आप लोग हो, इस अनुकरणीय प्रवृत्ति में छात्र अध्यापक को विभिन्न विभिन्न भूमिकाएं निभाने के अवसर मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर छात्र अध्यापक एक अध्यापक की भूमिका, छात्र की भूमिका वही जो पिपिल टीचर है वही अध्यापक की भूमिका भी अदा करता है, छात्र की भूमिका भी अदा करता है, प्रेक्षक की भूमिका भी अदा करता है। उसको यह भी ध्यान रहता है कि मेरी कमी कहाँ है और अच्छा मैंने कहाँ प्रदर्शन किया। इन सभी अवस्थाओं का छात्र अध्यापक विभिन्न भूमिकाओं से शिक्षण कार्य में सहायता करता है। ठीक है, ये थे महत्व, शिक्षण समस्याओं का समाधान, कक्षा कक्ष की व्यवहारिक समस्याएं समझने में, शिक्षण में आत्मविश्वास पैदा होता है, सूक्ष्म शिक्षण के बेहतर अनुकरण होते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान होता है, मतलब उसकी रीजनिंग डेवलप होती है, शिक्षक और विद्यार्थी का एकाकीपन दूर होना, मतलब के दोनों ही इसमें सक्रिय रहते हैं, प्रश्न पूछने की योग्यता का विकास होता है, छात्र अध्यापक की विभिन्न भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। फिर इसके अवगुण देखिए, डिमेरिट्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, अनुकरणीय शिक्षण के दोष, कमियां, अवगुण। इस अनुकरणीय प्रवृत्ति के लाभों के साथ साथ दोष भी हैं, जो इस प्रकार है। ये देखिए, यह प्रवृत्ति छोटे बच्चों के मध्य प्रयोग नहीं की जा सकती क्योंकि यह विधि बालकों के लिए कठिन है। ठीक है, छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण देने में अधिक समय लगता है, जैसे आप लोगों को क्या है कि छात्र अध्यापकों को ट्रेनिंग देने में अधिक समय लगता है, हर स्किल सिखाना, ठीक है, उसका अनुकरण करना, उसमें टाइम लगता है। शुरू से कई बार व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछना कठिन होता है क्योंकि इसमें आरंभिक प्रश्न और समापन प्रश्न अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। प्रेक्षक की भूमिका में विद्यार्थी द्वारा कई बार गलत रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, मतलब के जो प्रेक्षक खुद का ही वो करता है तो उसमें क्या करता है, वो अच्छी रेटिंग भी दे सकता है खुद को, जहाँ उसने सही व्यवहार ना किया, उसके स्किल्स जहाँ कमजोर है वहां भी खुद को अच्छा वो दिखा सकता है। खुद को ही ऑब्जर्व करना,
इस प्रवृत्ति में महगी प्रेक्षक मतलब खुद को ही ऑब्जर्व करना, इस ऑब्जर्वर की भूमिका भी वो खुद ही निभाता है। इस प्रवृत्ति में जैसे हम आपको बोलते हैं रेटिंग में आप खुद को तो अच्छे ही रेटिंग मतलब दोगे, चाहे आपका स्किल्स व्यवहारिक स्किल्स है या फिर जो भी स्किल है आपके, जब माइक्रो टीचिंग मेगा टीचिंग ये करोगे तो वहां पे आपके आपको स्किल्स के बारे में पता चलेगा फाइनल ईयर में। तो वहां पे जब क्या होता है कि खुद को एक छात्र अध्यापक अच्छी रेटिंग भी दे सकता है क्योंकि वो खुद अपने ही ऑब्जर्वर का काम करता है। तो इस प्रवृत्ति में महंगी विकसित प्रकार की सर्वदृश्य सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। हमारे देश में बहुत महंगी सहायक सामग्री का प्रयोग असंभव है, ये आपको पता चल ही गया होगा। जो भी PLM या सहायक सामग्री होती है बहुत महंगी सामग्री इसमें प्रयोग में लाई जाती है, जो कई बार मतलब जिसका यूज करना असंभव हो जाता है, उपलब्ध नहीं हो पाती। अनुकरणीय शिक्षण अभ्यास में छात्र अध्यापकों को भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है, जो उसके लिए वैसा अभिनय करना कठिन होता है। भाई एक से अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती है तो क्या होता है, एक अभिनय करना कठिन होता है, रोल प्ले करना। छात्र अध्यापक अपने सहपाठियों के सामने प्राय खुलकर अभिनय नहीं कर पाते बिल्कुल, क्योंकि वो चाहे जितना वो छोटे बच्चों के समान समझ लें पर वो क्या होता है उनके सामने पूरी तरह से वो अभिनय नहीं कर पाते। इस प्रकार की प्रवृत्ति का प्रयोग सभी एक वो होती है उनके मन में झिझक होती है, हेजिटेशन होती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति का प्रयोग सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है, कला व चित्रकला के शिक्षण के लिए तो इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, निरीक्षण की भूमिका निभा रहे छात्र अध्यापक प्राय गलत आंकड़ों का संग्रहण करते हैं बिल्कुल। छात्र अध्यापक के इस प्रयोग में लाने के लिए बहुत अधिक तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए बहुत कम शिक्षक होते हैं जो अतिरिक्त कार्य करने के लिए सक्षम तैयार होते हैं। ये था भाई हमारा टॉपिक। इंग्लिश की PDF आपको मिली है, वो पढ़ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, इंग्लिश मीडियम की PDF दी है मैंने आपको, उसको पढ़ना, ये ही सब कुछ उसमें इंक्लूड किया है, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये होती है, ये होता है अनुरूपण शिक्षण।